मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर 10 अबाउट किचन, मीन्स के आज हम किचन में यूज किए जाने वाले बर्तनों की बात करेंगे। ठीक है, यूटेंसिल्स मीन्स जो बर्तन हम लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। मीन्स के आपको ये पिक्चर को देखना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ डॉट दे रखे हैं, आपको उन डॉट में आपको क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, तो आप इन डॉट को कलर करोगे तो आपकी जो पिक्चर है वो अच्छे से आपको क्लियरली दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप इजीली उनको पहचान सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन कौन से यूटेंसिल्स है ये। आपको यहाँ पे ये कौन सा यूटेंसिल्स है, तो फ्राइंग पैन। ठीक है, कढ़ाई है जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, सब्जी बनाने के लिए या फिर पूरी तलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये है पोट, मीन्स के मटका। ठीक है, मटका का यूज भी हम पानी भरने के लिए भी करते हैं और कुछ कुछ लोग तो मटके के अंदर खाना पकाते भी हैं। ठीक है, ये है आपका सर्विंग स्पून, मीन्स के जिससे हम खाना पकाने में जिसका यूज करते हैं और खाना जिससे हम परोसते हैं, सर्व करते हैं। ठीक है, ये है स्पैचुला। ठीक है, ये है आपका प्रेशर कुकर, ये क्या है तो फ्राइंग लेडल। ठीक है, जो झारे वाली जो डाली होती है उसको क्या कहते हैं, फ्राइंग लेडल। एंड ये है आपका रोस्टिंग पैन। ठीक है, रोस्टिंग पैन जिसके अंदर हम सब्जी को रोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका नॉन स्टिक पैन। ठीक है, जिसके अंदर हम रोटी पका सकते हैं और हम डोसा भी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 64। इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूजिंग कुकिंग, आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग, विच आर दे। मीन्स के आपने देखा होगा पिक्चर में, उन यूटेंसिल्स के अलावा आपके घर में ऐसे कौन से यूटेंसिल्स है जिसका यूज आप खाना पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी खाना पकाने के लिए करती है, तो लार्ज बाउल्स। ठीक है, लार्ज बाउल्स का यूज भी होता है, स्पून्स भी होती है, चम्मच सबके घर में होती है। स्टील वाटर स्टोरेज, मीन्स के ऐसे बर्तन जिनका हम यूज वाटर स्टोरेज, मतलब ऐसे स्टील के बर्तन जिसका यूज हम पानी भरने के लिए करते हैं। ठीक है, नीडिंग ट्रफ, मीन्स के हम आटा गूंथने के लिए जिसका हम यूज करते हैं। स्टील की डिशेस होती है, ठीक है, एंड बाउल्स भी होते हैं स्टील के। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ, यूटेंसिल्स किस चीज के बने होते हैं, तो स्टील के भी होते हैं यूटेंसिल्स, ब्रोंज के भी होते हैं एंड क्ले के, मिट्टी के भी होते हैं। ठीक है, आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वेयर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वेयर दे मेड ऑफ। मीन्स के आपको अपने बड़े बुजुर्ग से, ठीक है, मीन्स के अपने दादा दादी से पूछना है कि पुराने जमाने में किन किन चीजों के बर्तन वो लोग यूज किया करते थे। ठीक है, वो थिंक एंड टेल, विच थिंग डू वी कुक बिफोर ईटिंग, ऐसा खाना हम जो पका के खाते हैं। विच थिंग डू वी ईट रो, मीन्स के ऐसा खाना हम जो कच्चा खा सकते हैं। एंड विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक एंड रो, ऐसा खाना हम जो पका के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थिंग्स दैट आर ईटन रो, मीन्स के जो हम चीजें कच्ची खा सकते हैं, तो कैरेट्स, ठीक है, टोमेटोस, कुकुम्बर्स, फ्रूट्स एंड ऑनियंस, ये चीजें हम कच्ची खा सकते हैं। एंड थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, मीन्स के ऐसी चीजें जो हम पका के खाते हैं, तो राइस, पल्सेस,
खिचड़ी भाकरी एंड रोटी थिंग्स दैट आर इटन बोथ रो एंड कुक्ड मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो हम पका के भी खाते हैं और कच्ची भी खाते हैं तो कैबेज कैबेज को हम कच्ची भी खा सकते हैं ठीक है इसका सलाद भी बना सकते हैं एंड उसकी सब्जी भी बनती है कैरेट को हम हलवा भी बना सकते हैं और कच्ची भी खा सकते हैं ठीक है एंड ओनियन को भी ओनियन की भी हम सब्जी बना सकते हैं और उसे कच्ची भी खाते हैं टोमेटोज की भी सब्जी बनती है और कच्ची भी खाई जाती है टोमेटोज ठीक है एंड रेडिश रेडिश को भी हम कच्ची खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं ठीक है नंबर 65 हैव यू सीन अ चपाती बींग मेड इन द किचन आर एनीवेयर एल्स देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल Kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After so much effort, the chapati reaches your plate. Means के क्या आपने कभी देखा है रसोई में बनाई जाने वाली means के आपके किचन में बनाई जाने वाली चपाती means के रोटी ठीक है कैसे आप तक पहुँचती है इसके लिए क्या करना पड़ता है इसके लिए बहुत सी चीज़ें की जाती है इसके लिए लंबा प्रोसेस होता है ठीक है आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको प्लेट के अंदर फ्लोर लेना है और उसके बाद क्या करना है नीडिंग इनटू अ डो आपको फिर क्या करना है आटे को अच्छे से गूंथ लेना है और उसके क्या करना है छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और उसके बाद उसको रोलिंग पिन होती है बेलन होता है उससे क्या करना है अच्छे से बेल लेना है और उसके बाद अच्छे से उसको तवे पे पकाना है एंड After so much effort, the chapati reaches your plate. इसके बाद में चपाती क्या होती है आपके प्लेट में आती है See and write. देखो और लिखो Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Means के आपको कहाँ जाना है किचन में जाना है और ऑब्जर्व करना है आपके किचन में क्या चीज़ है क्या इंग्रेडिएंट्स है क्या आइटम है जो और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ठीक है तो यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम्स लिखा है सिंपली लेमन जूस ठीक है लेमन जूस तो कोई भी बना सकता है बहुत ही इजी है ठीक है इंग्रेडिएंट्स इसमें है लेमन सुगर सॉल्ट वाटर ग्लास एंड स्पून ठीक है और इसमें स्टेप्स है टेक अ वन ग्लास एंड एड हाफ ग्लास ऑफ वाटर आपको एक ग्लास लेना है और उसमें क्या लेना है हाफ ग्लास वाटर लेना है पानी लेना है ठीक है एंड हाफ लेमन जूस इन वाटर उसके बाद हाफ लेमन जूस कट करके वाटर के अंदर डाल देना है देन एड वन टेबल स्पून सुगर उसके बाद इसमें एक टेबल स्पून एक चम्मच सुगर डाल देना है देन एड पिंच ऑफ सॉल्ट उसके बाद उसमें क्या करना है थोड़ा सा नमक डाल देना है एंड आफ्टर स्टिर इट मीन्स कि उसको अच्छे से हिलाना है लेमन जूस इज रेडी उसके बाद आपका लेमन जूस रेडी हो जाएगा ठीक है एंड ड्रिंक इट उसको पीना है यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड मीन्स के हर एक आइटम अलग अलग तरीके से बनाया जाता है ठीक है हर एक वेराइटी अलग अलग तरीके से बनती है कुछ बेक करके बनाती है कुछ फ्राइड करके भी बनाते हैं कुछ रोस्ट करके बनाते हैं कुछ स्टीम करके भी हम फूड को पकाते हैं थिंक एंड राइट आपको सोचना है और उसके बाद में लिखना है गिवन बिलो आर डिफरेंट मैथड ऑफ कुकिंग ठीक है आपको पता होगा कि कुकिंग जब करते हैं हम खाना पकाते हैं तो हर खाना अलग अलग तरीके से बनता है ठीक है राइट द नेम्स ऑफ टू थिंग्स कुक्ड बाय रीच ऑफ दिस मेथड एड सम मोर मेथड ऑफ कुकिंग टू द लिस्ट एंड गिवन एग्जांपल आपको यहाँ पे मेथड ऑफ कुकिंग दे रखा है आपको उसके दो दो एग्जाम्पल आपको नेम ऑफ थिंग्स मीन्स के आपको दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देने हैं सबसे पहले तो है रोस्टिंग ठीक है रोस्ट करना मीन्स कि जिस चीज़ों को हम तवे पे पका के बनाते हैं सेक के बनाते हैं उसे रोस्ट करना कहते हैं ठीक है तो भाकरी एंड रोटी को हम तवे पे सेक कर पकाते हैं बॉइलिंग करना मीन्स कि पानी के अंदर हम जिसको बॉईल करके पकाते हैं उसे बॉईल करना कहते हैं तो सूप एंड पोटैटोज ठीक है फ्राइंग करना मीन्स कि तलना ठीक है तो हम पूरी और समोसे को तेल में तलते हैं
बेकिंग केक को बेक करते हैं और हम हांडवा को बेक करते हैं। स्टीमिंग करना है तो राइस एंड खमन, ठीक है, राइस और खमन को हम स्टीम करते हैं। शेलो फ्राइंग मीन्स के थोड़े से तेल के अंदर जिस चीज़ को हम जिस फूड को पकाते हैं उसे शेलो फ्राइंग कहते हैं। तो वेजिटेबल्स एंड पराठास को हम थोड़े से तेल के अंदर शेलो फ्राइंग करते हैं। ओके, पेज नंबर 66। थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। विच फ्यूल इज यूज टू कुक फूड इन योर हाउस, आपके घर में खाना पकाने के लिए किस फ्यूल का यूज होता है। फ्यूल मीन्स के ईंधन, मीन्स के जिस पे हम खाना पकाते हैं उसे फ्यूल कहते हैं, ठीक है। ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक एंड राइट इट्स नेम, आपको आपके घर में यूज किए जाने वाले फ्यूल का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसका नाम भी लिखना है। मीन्स के इन सब में से आपके घर में जो भी यूज होता है आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ के घर में तो गैस और सिलेंडर ही यूज होता होगा और कुछ के घर में चूल्हा भी यूज होता होगा और स्टोव भी यूज होता होगा। तो आपको इसका पिक्चर ड्रॉ करना है और नीचे नाम भी लिखना है। आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स, मैच द पिक्चर विथ लिस्ट, मैचिंग कैन बी विथ मोर देन वन थिंग ऑल्सो। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दे रखे हैं, ठीक है, आपको उनको पहचानना है कि वो किन किन चीज़ों से चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जैसे आपको दे रखा है चूल्हा है, ठीक है, ये तो चूल्हे में हम क्या डालेंगे तो वो चलेगा, तो हम चूल्हे में वुड डालेंगे, ठीक है, लकड़ी, तो चूल्हे पे हम खाना पका सकते हैं। नेक्स्ट है ये क्या है, सोलर कुकर, तो सोलर कुकर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे, नो, तो सोलर कुकर के अंदर हम क्या करेंगे, सोलर कुकर को हम सनलाइट में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, ठीक है, बाहर हम सूर्य के प्रकाश में धूप में रखेंगे तो उसके अंदर हम खाना पका सकते हैं। ये भी एक टाइप का चूल्हा है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे तो कोल यूज़ करेंगे, कोयला, ठीक है। अब ये है स्टोव, तो स्टोव के अंदर हम क्या डालेंगे तो वो चलेगा, तो केरोसिन डालेंगे स्टोव के अंदर तो वो चलेगा, ठीक है। और ये तो सब जानते ही होंगे, ये है गैस सिलेंडर, ठीक है, तो गैस सिलेंडर के अंदर हम क्या डालेंगे तो वो चलेगा, तो उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है सिलेंडर के अंदर, इसीलिए वो चलता है जिससे हम खाना पका सकते हैं। अब ये क्या है, तो ये है हीटर, तो हीटर किससे चलता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्विच बोर्ड, हीटर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से हीटर चलता है तो हम उस पर भी खाना पका सकते हैं। ये क्या है, कॉडम केक्स, मीन्स के जो गोबर के जो उपले होते हैं ना उसके, उसको भी हम चूल्हे के अंदर डाल के खाना पका सकते हैं। ओके, पेज नंबर 67। रीड एंड मेक, पढ़ना है और आपको बनाना भी है, ठीक है। सोक वॉल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर, इन द मॉर्निंग रेप द सोक मूंग इन वेट क्लोथ एंड कवर इट, टेक इट आउट आफ्टर अ डे, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। एट स्लाइस ऑनियंस, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। मीन्स कि आपको क्या करना है, मूंग दाल लेना है और उसको पूरी रात वाटर के अंदर भिगो कर रखना है, उसके बाद आपको सुबह में उस मूंग दाल को अच्छे से पानी उसका निकाल के साफ कर लेना है और उसको गीले कपड़े के अंदर, ठीक है, वेट क्लोथ, गीले कपड़े के अंदर अच्छे से कवर करके रख देना है। और उसके बाद आप टेक इट आउट आफ्टर अ डे, उसके बाद आप उसमें देखोगे डू यू एनी डिफरेंस, आपको क्या उसमें कोई डिफरेंस नज़र आएगा, आप उसको देखोगे तो आपको क्या हो जाएंगे, सारे मुंह स्प्राउट हो जाएंगे, ठीक है। आपको उसमें थोड़ा सा ओनियन, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस आपको ऐड करना है मूंग दाल के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स करना है।
और उसके बाद आपके क्लासमेट के साथ शेयर करना है, ठीक है। अभी क्लासमेट तो नहीं है आपके, तो आपको आपके फैमिली के साथ उसको शेयर करना है। लुक एंड राइट, देखो और लिखो। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिना कुकिंग के आप बना सकते हो, तो क्या आएगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेमन जूस, ठीक है, लेमन वाटर, बहुत ही ईजी है, अच्छे से बन जाता है। मिक्स शुगर इन वाटर, ठीक है, आपको वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करना है, उसके अंदर एड लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस डालना है एंड स्ट्रेन इट, अच्छे से उसको मिक्स करके अच्छे से उसको हिलाना है। लेमन वाटर इज रेडी, ओके। नेक्स्ट है फ्रूट डिश, वो भी बहुत ईजी है। डाइस वेरियस फ्रूट, मीन्स के अलग अलग टाइप्स के आपको फ्रूट लेने हैं। एड सॉल्ट शुगर एंड चाट मसाला, उसके अंदर आपको सॉल्ट शुगर और चाट मसाला ऐड कर देना है। मिक्स ऑल द थिंग्स वेल, उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है सबको। द फ्रूट डिश इज रेडी, ओके। लस्सी, तो लस्सी बनाना भी बहुत ईजी है। टेक वन कप कर्ड, एड शुगर टू इट, आपको कर्ड मीन्स क्या होता है, दही, ठीक है। एक कप आपको दही लेना है और उसके अंदर शुगर को ऐड करना है। एड स्मॉल आइस क्यूब, मीन्स के आपको बर्फ का टुकड़ा भी थोड़ा सा आपको लेना है। ब्लेंड इन अ मिक्सर, मिक्सर के अंदर अच्छे से उसको ब्लेंड कर देना है, अच्छे से उसको मिक्स कर देना है। द लस्सी इज रेडी, ओके।